गुड मॉर्निंग। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम द वर्टेक्स ऑफ एंगल पी क्यू आर? बताइए बेटा कौन सा वर्टेक्स होता है एंगल पी क्यू आर में? वर्टेक्स क्या होगा जो बीच में आता है? वर्टेक्स ऑलवेज एट द मिडिल पोजिशन, वर्टेक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन द अदर टू, मतलब वर्टेक्स जो होता है ना वो एंगल की मिडिल में आता है, हमेशा कहां पर आता है बेटा? मिडिल में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्यू। समझ गए ना? जो वर्टेक्स होता है ऑलवेज लाई इन द मिडिल ऑफ द एंगल, एंगल के मिडिल में लाई करता है। एंगल जो होता है, जैसे एंगल पी क्यू आर लिखा है, तो पी क्यू आर में जो मिडिल में है, बीच में है, वो क्या होता है? जैसे मैंने ये बनाया बेटा, ए बनाया एंगल पी क्यू आर, पी क्यू और आर। अच्छा बताइए वर्टेक्स कहां आ रहा है? टेल मी वेयर इज द वर्टेक्स? क्यू। तो बेटा जो बीच में आता है दैट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है ना? अच्छा व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर एंगल एबीसी? एबीसी का कोई दूसरा नाम क्या होगा? जल्दी बताइए, टेल मी व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंगल एबीसी? यस, क्या हो जाएगा? सी बी ए। क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि जो बी है वो बीच में ही रहेगा, जो बी होता है वो बिल्कुल मिडिल में ही रहता है, बस चेंज क्या होते हैं, ए वाला इधर आ जाएगा और ए वाला इधर आ जाएगा, तो सी बी ए, ठीक है ना? जैसे हम ए वाला है पी क्यू आर है, पी क्यू आर को पी क्यू आर भी पढ़ सकते हैं, आर क्यू पी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? वी कैन ऑल्सो रीड एज आर क्यू पी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर द आर्म्स ऑफ एंगल बी ओ ए? देखो बेटा ऐसा बना है, सी डी ओ ए बी ई। बताइए बेटा एंगल बी ओ ए में कौन कौन सी आर्म है? बताइए कौन कौन सी आर्म्स हैं बेटा इसमें? देखो एक बी ओ बेटा बी ओ ए नहीं नहीं बी ओ ए देखो ए एंगल बन रहा है, तो कौन से दो हैंड को मिलाकर एंगल बन रहा है? कौन से दो हैंड को मिलाकर, कौन से टू हैंड को मिलाकर एक बन रहा है? देखो ओ बी, ओ बी आ रहा है ओ बी, और एक किसको लेकर? ओ ए। देखो इन्हीं इन्हीं दो को लेकर आ रहा है ना, इन्हीं दो को लेकर ये एंगल बन रहा है। बोलो बी ओ ए बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो इसलिए कौन सी आर्म्स होंगी? ओ बी एंड ओ ए। व्हाट द आर्म्स हियर? व्हाट आर द आर्म्स? ओ बी एंड ओ ए। क्योंकि बेटा बी ओ ए जो एंगल बन रहा है उसमें आर्म्स ओ बी आ रही है और ओ ए आ रही है। रीड द, अच्छा बस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्राइंगल, विच इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर ट्राइंगल। ट्राइंगल जब बेटा थ्री लाइन सेगमेंट आपस में ज्वाइन होती है, नॉन कोलिनियर थ्री लाइन सेगमेंट जब ज्वाइन होती है, व्हेन When three non-collinear point, good morning beta, non-collinear point joined together, then they form
ट्राइंगल, दे फॉर्म आ ट्राइंगल। और एक और डेफिनेशन, और व्हेन थ्री लाइन सेगमेंट ज्वाइन टुगेदर, व्हेन थ्री लाइन सेगमेंट ज्वाइंट टूगेदर, जब तीन लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती हैं, व्हेन थ्री लाइन सेगमेंट ज्वाइंट टूगेदर इन अ क्लोज्ड फिगर, इन अ क्लोज्ड फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, देन इट इज कॉल्ड आ ट्राइंगल। उसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेटा एक बात याद रखना, ट्राइंगल नॉन कोलिनियर पॉइंट जानते हो बेटा? नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर माने एक ही लाइन पर ना हो, एक इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो। नॉन कोलिनियर माने एक ही लाइन पर ना हो। अगर मैंने बेटा एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो क्या वो ट्राइंगल बनाएगा? क्या वो ट्राइंगल बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को, मतलब एक ही लाइन के पॉइंट को ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है ना। ओके okay। अच्छा मुझे ये बताइए, ट्राइंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? देखो बेटा, देयर आर सिक्स पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, देयर आर सिक्स पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सिक्स पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हम बता रहे हैं बेटा, उसकी थ्री साइड्स होती हैं और बेटा क्या होते हैं, थ्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? थ्री एंगल्स होते हैं। अगर मैंने कोई ट्राइंगल बनाया बेटा, एंगल ट्राइंगल बनाया, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है, इसमें साइड कौन कौन सी होंगी, साइड कौन-कौन सी होंगी बेटा? ए बी, बी सी, सी ए। और एंगल कौन-कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये तीन बेटा, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला, ये तीन एंगल बनेंगे, है ना। थ्री एंगल और थ्री साइड आर द पार्ट्स और एलिमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, और एलिमेंट, क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्स बोलते हैं, है ना। हाँ तो ट्राइंगल के सिक्स पार्ट बोलो या एलिमेंट्स बोलो, वो ट्राइंगल के होते हैं। हाँ अच्छा, हाँ नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा वर्टेसिस, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, द पॉइंट वेयर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, तो बेटा ट्राइंगल में कौन कौन से वर्टेक्स, ए बी एंड सी आर वर्टिसेस। बेटा वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। क्या होता है? क्या होता है? वर्टिसेस।
हाँ ठीक है, अब इस साइड वाला इरेज कर दूं। अब बेटा ट्रायंगुलर आ ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। इनटू गुड मॉर्निंग अ ट्राइंगल प्लेन अ ट्राइंगुलर प्लेन बेटा एक ट्राइंगुलर लिखना था ट्राइंगुलर अ ट्राइंगुलर प्लेन डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। ट्राइंगुलर प्लेन थ्री रीजन में डिवाइड होता है बेटा। अगर मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया बेटा, इसका नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैंने इधर कोई पी, इधर क्यू, इधर आर, इधर एस, इधर टी, इधर यू दे दिया, तो बेटा एक्स इंटीरियर रीजन में जो पॉइंट लाई करेंगे वो इंटीरियर रीजन में जो पॉइंट लाई करेंगे, कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं? आर एंड यू, ठीक है ना। ऑन द ट्राइंगुलर या बाउंड्री रीजन में बोल सकते हैं, बाउंड्री रीजन में जो पॉइंट लाई करेंगे वो ट्राइंगल के बाउंड्री मतलब ऑन द ट्राइंगल कहलाएंगे, है ना। पी क्यू बाउंड्री माने बेटा जो सिर्फ साइड पर लाई करे, कहां पर लाई करेंगे? साइड पर, है ना। अच्छा एक्सटीरियर रीजन में जो एस एंड अच्छा बेटा मुझे एक पॉइंट और लिखना है कि इंटीरियर रीजन इंक्लूडिंग विथ बाउंड्री रीजन फॉर्म ऑफ फॉर्म अ ट्राइंगुलर रीजन। समझ गए? नहीं समझे हो तो मैं बता दे रहा हूं बेटा, जो इंटीरियर रीजन है अंदर वाला और जो बाउंड्री वाला रीजन है, उन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइंगुलर रीजन। क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर रीजन। समझ गए ना, जो आपका बाउंड्री रीजन है और जो आपका इंटीरियर रीजन है, उन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? बाउंड्री रीजन। आप लोग देखो वीडियो ऑन नहीं किए हैं, ये गलत बात है ना, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अच्छा ठीक है,
इंटीरियर रीजन और उसके साथ अगर बाउंड्री रीजन को मिला दिया जाए तो क्या बनता है? ट्राइंगुलर रीजन। अच्छा आप एक चीज देखना, एक कॉपी में लिखना है ना, अगर नहीं लिखोगे तो ये गलत होगा, है ना? अच्छा, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में मीडियन क्या कहलाती है? देखना बेटा ध्यान से, देखो बेटा एक, अगर ध्यान से देखना, आ लाइन सेगमेंट, हाँ प्लेन, प्लेन PLANE बेटा, आ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू दैट वर्टेक्स, अपोजिट टू दैट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मीडियन। देखो मैं बता रहा हूं बेटा, एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम मैंने ABC लिखा, उस ट्राइंगल में बेटा एक ऐसी लाइन बनाई, इसको मैंने D दे दिया। अच्छा हमें एक बात बताइए बेटा, मीडियन वो कहलाती है जो अपने सामने वाले साइड को क्या करे? इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। बेटा मीडियन क्या कहलाती है? मीडियन वो कहलाती है जो अपने सामने वाली साइड में, सामने वाली साइड को कितने पार्ट में डिवाइड करे? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। कितने पार्ट में डिवाइड करे? टू इक्वल पार्ट में। AD इज द मीडियन, AD इज द मीडियन। AD क्या है बेटा? AD को मीडियन बोलेंगे, ए मीडियन कहलाएगी, दिस इज द मीडियन। और यहां पर क्या है बेटा? BD इक्वल टू CD, BD CD के इक्वल क्यों है? क्योंकि AD क्या है? मीडियन है। मीडियन वो कहलाती है जो अपने सामने वाले साइड को क्या करे? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। अगर मान लो इस टोटल लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो इतने की भी 2 होगी और इतने की भी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। समझ रहे ना? अच्छा एक किसी ट्राइंगल में ज्यादा ज्यादा कितनी मीडियन बन सकती हैं? थ्री मीडियन बन सकती है। अ ट्राइंगल हैज एटमोस्ट, अ ट्राइंगल हैज एटमोस्ट 3 मीडियन। ट्राइंगल में ज्यादा से ज्यादा 3 मीडियन बन सकती हैं और इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना? अच्छा अब एक चीज और, यस बेटा, जो पॉइंट बाहर थे उनको हम एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे, एक्सटीरियर रीजन पर पॉइंट, और जो पॉइंट बेटा बाउंड्री पे थे उनको हम बोलेंगे बाउंड्री रीजन पॉइंट, और जो पॉइंट अंदर है ट्राइंगल के अंदर है उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर रीजन पॉइंट, ठीक है ना? एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या करना है? एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल,
देखो बेटा एल्टीट्यूड आप जानते हो, मैं बता रहा हूं, अलाइन सेगमेंट अपर पेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल, अपोजिट साइड ऑफ दैट वर्टेक्स। देखना बेटा, अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाता हूं और उससे मैं अगर किसी वर्टेक्स से एक एंगल 90 डिग्री बनाता हूं, क्या बनाता हूं बेटा, 90 डिग्री सामने वाली साइड पे, सामने वाली साइड पे कौन सा एंगल बनाना है, 90 डिग्री, याद रखना कौन सा एंगल, 90 डिग्री, तो वो क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। तो एडी इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। हाँ ये कहां पर है, ए परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। अ ट्राइंगल हैज एटमोस्ट थ्री परपेंडिकुलर। बेटा परपेंडिकुलर का साइन क्या, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बेटा, एल्टीट्यूड, ALTITUDE, एल्टीट्यूड। अब हम लोग जाते हैं एक्सरसाइज 10C में। रीड द फर्स्ट क्वेश्चन 10C। कितने एंगल हो, कितने साइड होते हैं, बस हो गया आंसर, क्या करना है ना। आगे अगला नेक्स्ट, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में 1 2 3 4, हाँ बस फर्स्ट ट्राइंगल में क्या होगा बेटा, थ्री एंगल और थ्री साइड। सेकंड में क्वेश्चन में क्या होगा, आ ट्राइंगल हैज डैश एलिमेंट, कितने एलिमेंट होते हैं, बताओ बताओ बताओ, सिक्स, सिक्स होते हैं बेटा, मैंने बताया नहीं था, आ ट्राइंगल हैज सिक्स एलिमेंट, थ्री एंगल और थ्री साइड, टोटल एलिमेंट सिक्स होते हैं ना। अच्छा इन आ ट्राइंगल एबीसी द साइड अपोजिट टू एंगल इज, एंगल एबीसी, देखो बेटा वो बोला है एक एबीसी है, एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड होगी, जल्दी बताओ, अरे बोलो, ए एंग बी सी कौन सी होगी, बी सी। हाँ आगे क्या लिखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर द वर्टेक्स अपोजिट टू क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल बनाना है, पी क्यू बेटा, पी क्यू आर
क्यू आर के अपोजिट कौन सी एंगल है, कौन क्यू आर के अपोजिट कौन सा एंगल है बेटा, जल्दी बताओ कौन सा पार्ट। हाँ पी, कौन सा है पी। और कैट सेम थोड़ी ना हो सकते हो। हाँ पहला वाला पढ़िए सेकंड का फर्स्ट। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या ट्राइंगल के वर्टिसेस स्ट्रेट लाइन में आते हैं क्या? फॉल्स फॉल्स है ना, एक देखो ऊपर आता है एक नीचे, एक कहीं है ना। हाँ आगे, ट्राइंगुलर रीजन इंक्लूड द वर्टिसेस, क्या ट्राइंगुलर रीजन में वर्टिसेस होते हैं क्या? नहीं होते ना, नहीं नहीं वर्टिसेस कहाँ होते बेटा ट्राइंगुलर रीजन में, है ना ट्राइंगुलर रीजन में। क्या बोला मैंने बताइए, हाँ इसमें वर्टिसेस नहीं, नहीं ट्राइंगुलर रीजन में क्या होता है, इंटीरियर रीजन और पूरा ट्राइंगुलर रीजन, बाउंड्री रीजन नहीं ट्राइंगल रीजन लिखना, पूरा पूरा जो ट्राइंगल होता है ना उसको इंक्लूड करना है, उस बाउंड्री की जगह क्या लिख देना ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये ट्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो बेटा, जो इंटीरियर इंटीरियर रीजन होता है वो, और जो पूरा ट्राइंगल होता है वो ट्राइंगुलर रीजन होता है, जो पूरा ट्राइंगल होता है ना उसको ट्राइंगुलर रीजन बोलते हैं। उधर बाउंड्री की जगह क्या कर लेना, हाँ उधर बाउंड्री की जगह क्या कर लेना ट्राइंगल। हेलो सभी लोग सुन रहे हैं? पहले हाँ पहले मैंने एक जगह वो ट्राइंगुलर रीजन लिखवाया ना, एक जगह देखो अच्छे से कहाँ लिखवाया था, फोर्थ पॉइंट पे लिखवाया था, फोर्थ पॉइंट पे एक जगह लिखवाया था मैंने, ट्राइंगुलर रीजन इंक्लूडिंग बाउंड्री रीजन फॉर्म आर, वो सॉरी इंटीरियर रीजन इंक्लूडिंग द बाउंड्री रीजन फॉर्म आर ट्राइंगुलर रीजन, तो ट्राइंगुलर रीजन इंटीरियर रीजन विथ ट्राइंगल। चलो कोई नहीं वो हो जाएगा, उसको टेंशन नहीं लो, आगे पढ़ो क्वेश्चन फोर। हाँ पढ़िए पढ़िए। हर ट्राइंगल में कितनी मीडियन होती हैं? थ्री, तो ट्रू हो जाएगा, हर ट्राइंगल में थ्री मीडियन हो सकती है। आगे नहीं बेटा, वो क्या होता है जो बाइसेक्ट करता है ना, जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं मीडियन। एल्टीट्यूड तो क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल, क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। हाँ आगे नेक्स्ट, ठीक है इसको हम लोग कल करवाते हैं, लंबा क्वेश्चन है टाइम लग